संसद की पंचायत का हमारा ये सफर आज आ गया है नागौर। नागौर आखिर कैसे पड़ा ये नाम? लोग कहते हैं कि नागौर का पुराना नाम था अही छत्रपुर, और यहाँ पर नागवंशी जो राजा थे उनका यहाँ पर शासन था, और उसी के चलते इस क्षेत्र का नाम पड़ा नागौर। नागौर की अगर बात की जाए तो नागौर मारवाड़ के उन जगहों पर है जहाँ जो राजनीतिक रूप से बहुत समृद्ध जिलों के रूप में जाना जाता है, जहाँ के जो राजनेता हैं उनकी पकड़ को पूरे देश में बहुत मजबूत माना जाता है, और एक तरह से यहाँ जाट राजनीति की राजधानी नागौर को कहा जा सकता है, जो प्रदेश की जाट राजनीति है उसकी राजधानी। नागौर के अगर संसदीय इतिहास की बात की जाए तो यहाँ से पहला चुनाव गजाधर सोमानी पहला चुनाव निर्दलीय के रूप में जीते थे, उसके बाद कांग्रेस के गोविंद लाल जीते, मथुरादास माथुर यहाँ से चुनाव जीते, सुरेंद्र कुमार डे यहाँ से चुनाव जीते, और उसके बाद नंद कुमार सोमानी यहाँ से चुनाव जीते। लेकिन उसके बाद नागौर की राजनीति में हावी हुआ मिर्धा परिवार का वर्चस्व, और यहाँ से सबसे ज़्यादा बार चुनाव जीतने का रिकॉर्ड बनाया नाथूराम मिर्धा ने। नाथूराम मिर्धा यहाँ से 6 बार लोकसभा का चुनाव जीते, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 9वीं, 10वीं और 11वीं लोकसभा में उन्होंने नागौर का प्रतिनिधित्व किया लोकसभा सदस्य के रूप में। रामनिवास मिर्धा यहाँ से चुनाव जीते, उसी परिवार से संबंध था, वो यहाँ से 8वीं लोकसभा का चुनाव जीते, और उसके बाद नाथूराम, एक तरह से अगर कहा जाए तो नागौर की पूरी राजनीति में मिर्धा परिवार का जो दबदबा है वो आज तक भी कोई नहीं तोड़ पाया है। यहाँ पर राम रघुनाथ चौधरी एक बार चुनाव जीते, भंवर सिंह डागावास भारतीय जनता पार्टी के वो यहाँ से चुनाव जीते, और पिछला चुनाव यहाँ से डॉक्टर ज्योति मिर्धा चुनाव जीती, जो नाथूराम मिर्धा की पोती है ज्योति मिर्धा, वो यहाँ से पिछला 15वीं लोकसभा का चुनाव यहाँ से जीती। अब देखते हैं कि इस बार नागौर क्या कहता है, नागौर की क्या आवाज़ है, नागौर क्या देश की आवाज़ के साथ आवाज़ मिला रहा है, या नागौर हर। और दूसरी बड़ी बात है कि इस बार का चुनाव महत्वपूर्ण इसलिए भी है कि मिर्धा परिवारों, मिर्धा जो परिवार है उसकी प्रतिष्ठा इस बार के चुनाव में दाव पर होगी। विधानसभा में हालांकि मनमाफिक रिजल्ट कांग्रेस के लिए नहीं है, इसलिए कड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए इस सीट को बरकरार रख पाना। आइए चलते हैं सफर पर। नागौर में हमारे सफर को हम आगे बढ़ाएंगे हमारे संवाददाता यूनुस कैसावत के साथ। यूनुस, नागौर में चुनावी माहौल बनने लग गया? देखिए, पूरी तरह से अभी चुनाव का जो माहौल है वो धीरे धीरे बढ़ने लगा है। जो नागौर का जो महत्वपूर्ण इतिहास है, नागौर हमेशा कांग्रेस की सीट रही है, और ये 15वीं लोकसभा का जो चुनाव होने जा रहा है जिसके अंदर 6 बार नाथूराम जी मिर्धा यहाँ से सांसद बने, रामनिवास जी मिर्धा यहाँ से सांसद बने, ऐसे कई नाम हैं जो यहाँ पे सांसद बने। सबसे जो नाम महत्वपूर्ण है बाबा नाथूराम जी मिर्धा का नाम है। जैसे पिछला जो चुनाव ज्योति मिर्धा चुनाव जीती, लोगों ने पिछली बार वोट दिया नाथूराम जी के नाम पर, क्या लगता है? देखिए, पिछला जो चुनाव था बाबा की पोती नागौर की ज्योति के नाम से वोट मिले, तो इस बात को लेकर हमने ज्योति से भी पूछा था इस बार चुनाव में क्या रहेगा उनका नारा, लेकिन वो हंस के चली गई। लेकिन इस बार अगर देखें तो कांग्रेस दो धड़ों में बटी हुई, सीधे तौर पर यहाँ पर कांग्रेस दो धड़ में, इसका लाभ क्या बीजेपी उठा पाएगी? देखिए, अगर ज्योति मिर्धा को टिकट मिलती है नागौर से तो जाहिर सी बात है कि उसमें खामियाजा कांग्रेस को उठाना पड़ेगा। अगर ज्योति मिर्धा की टिकट कटती है तो कांग्रेस मजबूत दावेदारी रहेगी। चलिए, और भी यहाँ कुछ लोग खड़े हैं, इनसे पूछते हैं, क्या आप नागौर में चुनाव का माहौल बनने लग गया है? हाँ जी, चुनाव का माहौल तो लगभग राजस्थान में पूरे में या पूरे इंडिया में भी लागू हो गया है चुनाव का माहौल तो। अच्छा, क्या लगता है आम आदमी के मुद्दे क्या है चुनाव में नागौर में? आम आदमी का मुद्दा, सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई का और भ्रष्टाचार का। क्या महंगाई और भ्रष्टाचार चुनाव में, इसके आधार पर आप वोट डालते हो? नहीं डालता। किस आधार पर वोट डालते हो, क्या सोच के वोट डालते हो? सस्ते वाड़े के हिसाब से वोट डालते हैं। क्या सस्ता करेगी सरकार हमारी? महंगाई मुद्दा है, महंगाई मुद्दा है, महंगाई की वजह से ही सब कुछ महंगा हो गया है, उसकी वजह से ये सब कुछ। तो यूनुस, यहाँ जो हम बात कर रहे हैं लोगों से, लोगों का कहना है कि मुद्दे इस चुनाव में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, आपको क्या लगता है नागौर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या हावी रहेगा? देखिए, आज की तारीख में अगर देखें, नागौर काफ़ी बड़ा क्षेत्र है, नौ जिलों से सीमाएं लगती है, और नागौर में जो महत्वपूर्ण जो मुद्दा है पीने का पानी का मुद्दा है, जो कई जो तहसीलें हैं आज ब्लॉक हैं वो पानी की फ्लोराइड से ग्रस्त है, तो सबसे बड़ा जो मुद्दा है आज की तारीख में पानी का मुद्दा। काफ़ी सारे लोग हमारे साथ हैं, क्या नाम है आपका? ललित सिंह। नागौर में इस बार जो चुनाव होने जा रहा है, आपको लगता है बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है ये?
इस बार का चुनाव नेतृत्व ने मिर्जा परिवार के लिए। क्या आपको लगता है मिर्जा परिवारों जो है ये कह रहे हैं मिर्जा परिवारों के लिए, क्या साख दाव पे इस बार है ना दाव पे? क्या कारण है? कारण तो अब वो परिवार वाले जानेंगे, आप सब समझ रहे हैं वो तो। क्या इस चुनाव में नागौर में सबसे बड़ा मुद्दा क्या रहेगा लोकसभा चुनाव में? मुद्दा यही है सर, बेरोजगार को रोजगार मिले, लाइट पानी सारी व्यवस्था हो, जनता यही चाहती है महंगाई कम हो, बहुत अच्छा मुद्दा। दिनों से एक बड़ी बात है यहाँ पर नागौर में, लोग बार बार जब हम लोगों से बात कर रहे हैं तो लोग ये कह रहे हैं कि बेरोजगारी एक मुद्दा है यहाँ पर, रोजगार के जो साधन है वो सीमित है। देखिए नागौर के अंदर देखा तो रोजगार के नाम पे अभी तक केंद्र सरकार की तरफ से योजनाएं चलती है, लेकिन आम जो बेरोजगार हैं, आम जो यहाँ पे रजिस्टर्ड हैं, उनको वो फायदा नहीं मिल पाता है, इसलिए बेरोजगार की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। चलिए हम इनसे भी बात करते हैं, क्या नाम है आपका? गोपाल है। अच्छा गोपाल जी, एक बात बताइए कि आप वोट डालते हैं, पिछले चुनाव में भी आपने लोकसभा में वोट डाला होगा, आपने सांसद को वोट डाला, क्या लगता है सांसद ने आप लोगों से जो वादे किए वो पूरे हुए? हाँ पूरे नहीं हुए, बोलते हो जाते हैं कभी कभी। नेताओं पर विश्वास नहीं है इन लोगों को? नेताओं पर विश्वास नहीं है क्या आपको? विश्वास तो हमें भी नहीं है, पर वोट डालते हो? वोट डालते हैं, हमारा अधिकार है, मगर यही सोच के डालते हैं कि भाई अपने शहर का विकास होगा, मगर पूरे शहर की ऐसी की तैसी हो रखी है। कुछ हुआ लगता है? कुछ भी नहीं हुआ है, कहाँ हुआ है, 50 साल पहले था वैसा ही आज है। क्या इन 50 सालों में नागौर नहीं बदला? नागौर कड़ा बदले है जी, पर यहाँ तो बड़े बड़े राजनेता हुए हैं, वो एक बुजुर्ग हमारे साथ हैं, इनसे पूछते हैं नागौर में बड़े बड़े राजनेता हुए हैं, बड़े बड़े नेता हुए हैं, इनका कहना है कि नागौर में कुछ हुआ नहीं? नहीं नहीं हुआ सर, नागौर सबसे राजस्थान में ऐसा जिला है, सब जिलों में ना ला रहे हैं। जब आप वोट डालते हैं तो हिसाब क्यों नहीं पूछते, उनसे पूछते क्यों नहीं आपने क्या किया क्या नहीं किया? नहीं है तो वो पब्लिक के सामने आते ही नहीं है, क्या पूछे बोलो। आज एक मंत्री है बड़े मंत्री बने और बाद में पब्लिक। अच्छा आपकी सांसद ने काम किया है? आपकी जो एमपी थी उन्होंने काम किया? नहीं किया, वो है ना जो अखबार में कई बार है या जो बजट ही लैप्स हुआ है उसने पब्लिक को तो लगाया ही नहीं है। हमारी पंचायत है उसके अंदर 5-4 साल में कोई पैसा बजट नहीं दिया। चलिए तो जो यहाँ पर यूनुस लोगों से हमने बात की, लोगों ने अपनी अपनी राय हमें बताई है, जी जी, क्या लगता है इस बार नागौर का चुनाव जो है आखिर किस किस के बीच होगा? क्या लोग कह रहे हैं मिर्जा परिवारों की प्रतिष्ठा के बीच होगा, लोग ये कह रहे हैं कांग्रेस बीजेपी के बीच होगा, आखिर ये चुनाव होगा किसके बीच? देखिए इस मामले को लेकर अगर देखें तो पूरी अगर नागौर की देखें तो 8 जो ब्लॉक हैं, 8 तहसील हैं, उसके अंदर जो अगर मिर्जा परिवार को अगर टिकट मिलती है ज्योति मिर्जा को, तो मिर्जा परिवार की जो प्रतिष्ठा है इस बार चुनाव में दाव पे रहेगी। अगर मिर्जा ज्योति मिर्जा की टिकट कट जाती है तो कांग्रेस और बीजेपी यहाँ एकजुट है, बीजेपी देखे तो इस बार एकजुट नजर आ रही है, जो कांग्रेस एकजुट है? नहीं कांग्रेस एकजुट नहीं है फिलहाल। तो जो यूनुस बता रहे थे लोगों से हमने जाना, ये सारी बातें काफ़ी सारी शिकायतें लोगों की हैं, काफ़ी सारी चर्चाएं लोगों की हैं, हम इस सफ़र को जारी रखते हुए राजनेताओं को भी बुलाएंगे हमारी संसद की पंचायत में, ये सफ़र जारी रहेगा। फिलहाल लेते हैं एक ब्रेक।